हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल माने। मालूम है अच्छा मालूम है क्या? ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ। ओके, तो अपने मनोज त्रिपाठी आए हैं कृति सेनन के साथ, वो भी मिमी मूवी लेके। वाह, नाम ही अच्छा है ना, मिमी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मिमी जो मूवी है वो एक मराठी मूवी जो 2011 में आई थी, माला आई भाई से, उस मूवी का ये रीमेक है। देखते हैं हम दोनों मिलके मिमी का ट्रेलर। ओके, और उसमें से कुछ कुछ डायलॉग्स बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप ये आपको भी अच्छा लगेगा। और चलो शुरू करते फिर, है ना, देर किस बात की है ना। मनोज त्रिपाठी ना ये ऐसे पुराने सॉन्ग लेके आता, जैसे लूडो में था एंट्री में, फिर इसमें तेरी उंगली पकड़ के चला। It was fantastic, seen his expressions. Okay. Ma. Awesome, nice. Kya expressions hai boss? Oh, meri ma. माँ और बच्चे का रिश्ता ना इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बच्चे को कोख में पालना ना दुनिया का सबसे महान काम होता है। मेरा बस चले ना तो मैं भी पाल लूं। शीश सही था, मन करो के पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन के बीच में जो है ना वो मराठी एक्ट्रेस है सही दामनकर, यू नो वेरी वेल, हंटर में भी थी देखो। और पैदा कहाँ से करोगे, पीछे से? सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बच्चे को कोख में पालना ना दुनिया का सबसे महान काम होता है। मेरा बस चले ना तो मैं भी पाल लूं। और पैदा कहाँ से करोगे, पीछे से? वो अमेरिकी जोड़ा आया है ना अमर महल में, उन्हें ना अब बहुत पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करो, क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है। अरे यार, वन मोर। क्योंकि भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है। आपको बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है, ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। किसके जैसी? मतलब पेट आपका और बच्चा उनका। मतलब किसी के साथ सोने की जरूरत नहीं है? नो। और बच्चा पैदा हो जाएगा? यस। जो आपका बच्चा पैदा करेगी उसे आप 20 लाख दोगे? यस। आप दोनों ना नोट के बिस्तरे लगा के उस पे सोना। मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना? नो। तू कर चुका है? नो। शिल्पा शेट्टी का सीन वंस। नो नो। मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना? नो। तू कर चुका है? नो। शिल्पा शेट्टी का फिगर खराब नहीं क्या? नो बता। ना बेबी ना बच्चा। घर वालों को क्या बताऊंगी कि बच्चा किसका है? अरे पेट देखिएगा ना इतना बड़ा, मेरे घर रह सकती है तू। कल्याण वाली खाला ना, ये उनकी भतीजी है चांद और ये उनके शौहर नसीरुद्दीन। करते क्या हैं ये? ड्राइवर हूँ, खुद की गाड़ी है अपनी। खुद की गाड़ी और जय श्री राम लिखा है उस पे। ओके। उसको पता नहीं था कि नमाज दिन में 5 बार पढ़ते, तो फिर वो बोला कि अरे नमाज 10 बार पढ़ते, 5 बार नहीं, तो बोल रहा कि 2 दिन का बता रहा हूँ। आपको बच्चा नहीं चाहिए, पगला गए हो क्या? यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। जैसे अभी यहाँ तक ऐसे बताया कि कृति सेनन से उनको बच्चा चाहिए, वो लोग 20 लाख रुपए देंगे, फिर अब सडनली क्यों बोल रहे वी डोंट नो, जब मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। फिर यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। समर जी बोल रही है उनको बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे को गिरा दो। बच्चा गिरा दो? के बकवास करे तो भागो, पागल हो गए कि? कौन है इसका बाप? बता कौन है, किससे शादी की है तूने? कौन है इसका बाप? मनोज त्रिपाठी कैसे पीछे देख रहे हैं? वो खुद कर दे इसने। यो ये तो मुसलमान है।
ये बच्चा तो बहुत गोरा है। बाप बन गया है ना। वाह, ये यार रहमान का म्यूजिक मतलब मस्त मस्त एकदम। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से बट इट विल बी फैंटास्टिक ऑफ कोर्स। ओके दिनेश विजय प्रोड्यूस्ड बाय नरेंद्र लक्ष्मी। ओके 30 जुलाई का आने वाले 30 जुलाई। ओह माय गॉड, मैं तो एकदम आई एम ईगरली वेटिंग एक्चुअली। सो आई होप आपको भी ये ट्रेलर अच्छा लगा हो, और लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा सीन अच्छा लगा। जैसे कि मुझे लगा वो नो वो वाला। एंड सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर कॉन्टैक्ट्स, एंड इफ़ यू न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टोनी कशाला था हम लसरे वाजो की।